यार भाई आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। मेरे को ना फटाफट से एयरपोर्ट पहुंचना है, वहां पर जाके मेरे को दुबई की फ़्लाइट लेनी है। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ, अबे यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक किस बात का भाई, गेट लगा रखा है। रुको मैं यार गार्ड से बात कर दूँ, आखिरकार ऐसा क्या हो गया एयरपोर्ट पर जिसकी वजह से ये ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई गार्ड यार यहाँ पर खड़ा है, मेरे को उसके अंदर जाना पड़ेगा। और वेट भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ, भाई साहब ये बताओ कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। सर आई एम रियली सॉरी बट अभी आप अंदर नहीं जा सकते। भाई जा क्यों नहीं सकते ये तो बता। अरे सर वो ना लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट खाली नहीं है आज। भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। अरे सर हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ये सारे लोग भी अंदर वेट कर रहे हैं। भाई यार अभी यार हमारा दुबई जाना कैंसिल हो गया। बट नहीं यार मेरे को जाना है, मेरे को अर्जेंट काम है भाई, मेरे को यार बहुत ज़रूरी बंदे से मिलना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। उस बंदे से मिलकर मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। यार वेट अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ। भाई हेलीकॉप्टर से तो मैं नहीं जा सकता, मेरे को चाहिए होगा एक प्लेन। बट वेट मैं भाई माइकल से हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि भाई माइकल की ना बहुत ज़्यादा जान पहचान है, उसकी एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा जान पहचान है। भाई वो पक्का मेरे लिए कोई ना कोई फ्लाइट अरेंज करा देगा। भाई मैं ना उसे कॉल करके देखता हूँ आखिरकार कहाँ पर है, और उससे पूछता हूँ भाई कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फटाफट से मैं कॉल लगाता हूँ भाई उसे, यहीं पर कार को थोड़ा सा रोक लेता हूँ जिससे कि मैं कॉल लगा सकूँ। माइकल भाई कहाँ पर है तू? अरे बताओ बताओ क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया भाई, मेरे को ना तेरे से बहुत अर्जेंट काम है। अरे बोलो बोलो बिंदास बोलो, क्या काम है भाई? मेरे को ना दुबई जाना है। अच्छा अच्छा फिर भाई दुबई जाना है तो मेरे को प्लेन चाहिए होगा, मतलब कि एक फ़्लाइट में बैठना पड़ेगा, और एयरपोर्ट पे एक भी फ़्लाइट नहीं है लॉस एंजेलिस में। हाँ ये तो बस तुम सही बोल रहे हो, आज मेरे को भी जाना था कायो पेरेगो आइलैंड, बट ये फ़्लाइट वगैरह ना होने के चक्कर में मैं तो नहीं जा पा रहा। तो भाई यार माइकल ने भी मना कर दिया, बट माइकल बोल रहा था कि तुम मेरे घर पे आ जाओ फिर बात करते हैं। तो मैं फटाफट से यार अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और चलता हूँ माइकल के पास। बट देख रहे हो ना, माइकल की इतनी जान पहचान होने के बावजूद माइकल को खुद फ़्लाइट नहीं मिली, तो हमको कैसे दिलवा पाता वो फ़्लाइट। बट कोई नहीं, हम उसके घर पर चलते हैं, फिर दोनों मिलकर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे भाई, कैसे हमको जाना है अपनी अपनी लोकेशंस पर। तो मैं फटाफट से माइकल के घर पहुंच चुका हूं, अभी कार को अंदर घुसाड़ता हूं उसके घर के, और फटाफट से माइकल को बुलाता हूं। भाई माइकल तो अभी घर के अंदर ही है, बाहर भी नहीं आया। माइकल बाहर आ, जल्दी से तेरे से बात करनी है। अरे आता हूँ यार थोड़ा सा वेट करो। तो यार कहाँ पर है यार, कितनी देर में आएगा तू? अरे बस आया आया। वेट गाइज माइकल आ चुका है। तो भाई माइकल अब बता कि अब हम अपनी अपनी लोकेशंस पर कैसे जाएं। भाई अभी देखो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे पास खुद ही व्यवस्था नहीं है जाने की, तो तुम्हारे लिए क्या ही व्यवस्था करूंगा मैं। भाई तू मेरे साथ चल, और हम ना लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट की जगह सैंडी शोरस के एयरपोर्ट पर चलते हैं, वहाँ पर शायद हमें कोई फ्लाइट मिल जाएगी। और यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, मेरे दिमाग में ये बिल्कुल आइडिया आया नहीं था कि भाई सैंडी शोरस एयरपोर्ट भी और वहाँ पर फ्लाइट भी मिलती है। यार अगर मेरे को पता होता ना, या फिर मेरे दिमाग में पहले ही आ जाता, तो मैं फटाफट से सैंडी शोरस चला जाता। बट थैंक यू भाई तुमने मेरे को याद दिला दिया। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, बस वहाँ पर जाके फ्लाइट मिल जाए यार। अगर वहाँ भी नहीं मिली ना, फिर देख तू कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा, फिर मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा और ना ही तू जा पाएगा कायो पेरेगो आइलैंड। अरे हाँ भाई सही बोल रहे हो, मेरे को बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम से जाना था भाई। बट कुछ नहीं यार, अब तू जाएगा चिंता मत कर, अब हम सैंडी शोरस एयरपोर्ट जा रहे हैं ना, वहाँ पर जाके मस्त हमको फ्लाइट मिल जाएगी, और मस्त तरीके से हम दोनों अपनी अपनी लोकेशंस पर चले जाएंगे। तो फटाफट से गाड़ी को भगाता हूँ और चलता हूँ भाई सीधे सैंडी शोरस एयरपोर्ट। वैसे मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ सैंडी शोरस एयरपोर्ट पे, सामने की तरफ ही है, बस अपनी गाड़ी को थोड़ा और स्पीड में भगाना पड़ेगा। वैसे देखो अपने पास सिर्फ यही गाड़ी है, और इसके अलावा मेरे पास कोई ना तो पैसे है ना गाड़ी है, कुछ नहीं है। वेट मैं ये क्या देख रहा हूँ, सैंडी शोरस एयरपोर्ट पर लाइन से कार्स पार्क्ड है। वेट भाई मेरे को ना किसी से बात करनी पड़ेगी। वेट यहाँ पर भी गार्ड खड़ा है यार, क्या सीन है, मतलब हर जगह ये कार पार्क हो रखी है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर तुम्हें एक भी फ्लाइट नहीं मिलने वाली अभी। वेट यार फिर कैसे हम जाएंगे अपनी लोकेशन पर? अरे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर कोई फ्लाइट नहीं है, पूरे लॉस एंजेलिस पूरे सैंडी शोरस में किसी के पास भी एक भी प्लेन नहीं बचा। भाई साहब ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मतलब सैंडी शोरस एयरपोर्ट पे भी नहीं है फ्लाइट, और लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट नहीं है। भाई मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था कि यहाँ पर फ्लाइट मिल जाएगी, बट यहाँ पर भी नहीं मिली। बट वेट मेरे को ना भाई एक बिजनेस आइडिया आया है, पहले मैं इस गार्ड से बात करता हूँ क्योंकि मेरे को रेट वगैरह जाननी है। सर मेरे को ये बताओ कि अभी टिकट की रेट्स क्या चल रही है?
अरे सर मैं क्या बताऊँ, टिकट इतनी ज़्यादा महंगी है कि एक बंदे के पूरे 50 लाख ले रहे हैं लोग। भाई साहब सही बताओ। अरे हाँ सर बिल्कुल, और किसी किसी से तो 1 करोड़ ले रहे हैं। भाई मतलब किसी पे खुद का प्लेन हो वो तो अमीर हो जाएगा ना। अरे हाँ सर, अगर किसी पे खुद का प्लेन हो तो वो इस रनवे पे चला के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। माइकल भाई मेरे को ना बिजनेस आइडिया आया है, तो मेरे साथ चल, मैं फिर तेरे को बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को अभी यहीं बता दो ना। भाई यहाँ पर नहीं बता सकता, पीछे गार्ड है, ये सुन लेगा तो फिर ये किसी को बता देगा। तू मेरे साथ चल, कोने में बात करते हैं। अच्छा ठीक है चलो चलो कोने में बात करते हैं फटाफट से। चल भाई चल मेरे पीछे पीछे आ। ठीक है आता हूँ आता हूँ। और भाई माइकल हमारे पीछे आ ही रहा है, और भाई इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। माइकल कहाँ पर रह गया तू? अरे आता हूँ भाई। यार माइकल तू इतना धीरे काम क्यों करता है? भाई तुम पहले आइडिया बताओ, क्या बता रहे थे? तो सुन भाई, मैं सोच रहा हूँ कि हम ना एक प्लेन खरीद लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पर चला सकते हैं उस प्लेन को, और भाई पूरे करोड़ों में कमा सकते हैं पैसे, क्योंकि एक बंदे की 1 करोड़ टिकट लग रही है यहाँ पे, तो हम आराम से पैसे कमा सकते हैं। भाई मैंने गार्ड से पूछ लिया है। अरे भाई तुमने पूछ तो लिया, बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्लेन इतना ज़्यादा महंगा आता है ना, कहाँ से लाओगे? मेरे पास तो पैसे है नहीं। भाई सही बता यार, तेरा बिल्कुल पैसे नहीं है? अरे हाँ, वैसे प्लेन आता कितने का है मुझे ये भी नहीं पता। भाई पता तो मुझे भी नहीं है, बट रुको, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बता सकता है कि प्लेन कितने का आता है, और उस पर प्लेन शायद मिल भी जाएगा। अच्छा ठीक है, कौन है वो बंदा? भाई कौन क्या, अपना साइमन। और कौन? अच्छा वो साइमन, भाई वो बहुत बेकार बंदा है। मैंने उससे एक बार कार खरीदी थी, और जो कार उससे खरीदी थी ना वो इतनी ज़्यादा बेकार थी, उसका इंजन एक ही दिन में ख़राब हो गया। सही बता भाई, वो तो नई कार सेल करता है ना? अरे वो नई नहीं थी, बहुत ज़्यादा पुरानी कार थी, नई बोल कर मुझे चिपका दी। अब मैं वापस करने गया तो उसने मना कर दिया वापस करने से। ठीक है भाई मैं बताऊँगा उसे। यार वैसे देखो मेरी भी उससे ज़्यादा खास अच्छी दोस्ती तो नहीं है, बट फिर भी वो हमारे कभी कभार काम आ ही जाता है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं यार, हमारा काम होना चाहिए बस, या किसी से भी हो। हाँ भाई माइकल, यही तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि हमारा बस काम होना चाहिए एक बार, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइज हम फटाफट से पहुँच चुके हैं साइमन के शोरूम, अभी बस कार से उतरते हैं और फटाफट से साइमन से बात करते हैं कि उसके पास कोई प्लेन पड़ा है या फिर नहीं। अगर यहाँ भी प्लेन नहीं मिला तो फिर हम कहाँ से प्लेन लाएंगे और कहाँ से पैसे कमाएंगे? भाई दुबई वुबई जाना तो बाद का सीन है, बट हमें अभी बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसे भाई हम नहीं गवा सकते। तो मैं ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ, बट यहाँ पर नहीं है, मेरे को पता है भाई दूसरे ऑफिस में होगा। फटाफट से माइकल मेरे पीछे आ, और इस ऑफिस के अंदर पक्का होगा। और साइमन क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ पर? भाई कैसे क्या आना हुआ यार, कोई काम होगा तभी तो आया हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ क्या काम है? वैसे एक बात पूछनी थी कि तेरे पास कोई प्लेन पड़ा है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई, प्लेन? अब भाई इस बारे में बात मत करो तुम, क्योंकि मेरे पास प्लेन तो है बट उसे तुम खरीद नहीं पाओगे। अच्छा कितनी प्राइस का ये तो बता मुझे। अरे ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 50 करोड़ का है। भाई 50 करोड़ का तो कहीं नहीं आता प्लेन। अरे आता नहीं है, बट आज के दिन तो है, क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस और पूरे सैंडी शोरस में कहीं भी प्लेन नहीं है। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा महंगा है। चल ठीक है महंगा हम ले लेंगे, बट हम पैसे बाद में दे देंगे ना? अरे नहीं नहीं पैसे तो अभी चाहिए, बिल्कुल कैश, बिल्कुल पूरे पूरे पैसे चाहिए मेरे को। अगर एक भी रुपया कम रह गया ना तो मैं तुम्हें वो प्लेन नहीं दूंगा। क्या बात कर रहा है भाई, दोस्ती के खातिर तू इतना भी नहीं कर सकता? भाई दोस्ती की बात नहीं है, बट अभी लॉस एंजेलिस में जो चल रहा है ना, उसको देखते देखते मेरे को ना बिल्कुल भी उधार देने का मन नहीं कर रहा, मेरे को तुरंत कैश पैसे चाहिए। भाई यार साइमन तू ना बहुत ज़्यादा बेकार है, माइकल सही बोल रहा था, तू हमारे किसी काम नहीं आने वाला। अच्छा ठीक है, काम नहीं आ रहा हो तो निकलो यहाँ से, तुम मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो फालतू में? भाई यार साइमन, यार हम तो ये सोच कर आए थे कि तू हमारी पक्की हेल्प करेगा, बट तूने तो धोखा दे दिया। अरे इसमें धोखे की बात है, तुम अगर कोई चीज़ खरीदोगे तो उसके पैसे तो दोगे ना भाई? बट तू बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है यार, इतने का नहीं आता प्लेन, मेरे को पता है, मेरे को इतना तो अंदाज़ा है कि 5 करोड़ या 10 करोड़ में आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारा 5 करोड़ 10 करोड़ है? भाई अभी तो नहीं है, बट मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा 5 और 10 आ जाए ना फिर उसके बाद बात करना तुम, पहले यहाँ से निकलो। भाई क्या ऐसे बोल रहा है तू मेरे से? अरे हाँ तुम मेरे शोरूम के अंदर खड़े हो तो यहाँ से निकलो फटाफट से। भाई यार माइकल अभी ना ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, मैं इससे कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि भाई इसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इतने टाइम में मैं और कुछ सोच लूँगा। चल माइकल भाई इसके पास टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि दोस्ती की खातिर ये सब कुछ करेगा, बट ये कुछ नहीं करने वाला, फटाफट से चलते हैं यहाँ से, नहीं तो भाई अगर मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ गया ना तो मैं इसके ऑफिस को जला डालूंगा, इसके पूरे शोरूम को जला डालूंगा। अरे क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो भाई, तुम मेरे से हाथ नहीं लगा सकते, समझे ना, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। क्या हिम्मत की बात कर रहा है भाई,
मैं अभी तो उससे कुछ बोल नहीं रहा, अगर बोलूंगा ना तो फिर तू भागेगा भाई यहाँ से। बट मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, तू मेरे को प्लेन देगा या नहीं देगा? अरे नहीं दूंगा, यहाँ से निकल जाओ फटाफट से। भाई माइकल यहाँ कुछ नहीं होने वाला, चल यार तू चल। अभी ना बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया। अभी फटाफट से गाड़ियाँ बैठ और भाई चलते हैं किसी जगह, दूसरी जगह जिधर हमको प्लेन मिल सकता है। बट प्लेन कहाँ पर मिलेगा माइकल, सोच यार अभी हमें प्लेन कौन दे सकता है? अरे मेरे को नहीं पता भाई, अगर मेरे को ही पता होती तो मैं तुम्हें सीधे वहीं पर ले जाता ना। हाँ भाई ये भी तो सही बोल रहा है, बट वेट 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 यार, अभी अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया है माइकल, तू चल मेरे साथ फटाफट से चल। अरे कहाँ पर चलते हैं भाई? कहाँ पर क्या, जंक यार्ड चलते हैं ना। अरे वाह यार तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मतलब अभी तुमने जैसे जंक यार्ड बोला ना तो मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि हम जंक यार्ड जाएंगे, कोई पुराना प्लेन खरीदेंगे, उसे मॉडिफाइड करा के फिर चलाएंगे। हाँ हाँ भाई यही मेरा आइडिया है, तू फटाफट से गाड़ियाँ बैठ और भाई चलते सीधे जंक यार्ड। अच्छा ठीक है चलो चलो फटाफट से चलते हैं, मेरे को भी वेट नहीं हो रहा भाई। बट हमें प्लेन को बनाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। हाँ भाई वो तो जंक यार्ड जाके पता चलेगा ना कि कैसी कंडीशन में हमें प्लेन मिलने वाला है। हाँ भाई फ्रैंकलिन ये भी तो सही बोल रहा है भाई, हमें ना ये प्लेन भी देख कर ही लेना पड़ेगा, अगर इसमें ज़्यादा पैसे लग गए तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हाँ भाई माइकल तू यार पता नहीं कब से करने लग गया ये पैसे नहीं है पैसे नहीं है, तो भाई तेरे पास कितने ज़्यादा पैसे होते हैं, तेरे इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, बट फिर भी तू हमारे आगे बस यही ड्रामा करता रहता है कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है। भाई कभी तो यार खुल के बोल दिया कर ना। अरे सच में भाई ये सारे बिजनेस मेरे लॉस में चल रहे हैं। भाई क्या बात कर रहा है, और मैं जंक यार्ड पहुँच चुका हूँ, बट आते आते ही मेरी कार पलट गई और भाई ये सैंडी शोरस के पास ही था जंक यार्ड। वैसे हम फालतू में साइमन के पास गए, अगर हमें पहले ही पता होता तो हम जंक यार्ड से यार पहले प्लेन खरीद लेते और उसे मॉडिफाइड करा के अब तक चला भी लेते। तो मैं अभी फटाफट से गाड़ी से घूमता हूँ भाई, इधर प्लेन पड़े हुए हैं बट नहीं, ये तो सिंगल सीटर है, इसमें सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, और ये बड़े बड़े प्लेन है इनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है भाई, ये कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएंगे। मेरे को कोई ऐसा प्लेन ढूंढना पड़ेगा जो कि ना तो ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो, बिल्कुल मीडियम साइज हो, जिसमें कम से कम 12 से 16 बंदे बैठ जाए आराम से। तो उतने में भाई हमारा आराम से बजट बन जाएगा, और मीडियम साइज़ के प्लेन को हम आराम से रिपेयर करा भी सकते हैं। भाई इतने बड़े प्लेन को हम कैसे रिपेयर करा पाएंगे, अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो जंकयार्ड वाला इस प्लेन को कितने में देगा। भाई अगर वो ज़्यादा पैसे लगाएगा तो फिर रिपेयर कराने के पैसे नहीं रहेंगे। बट मेरे को ना मीडियम साइज़ का प्लेन कहीं भी नहीं दिख रहा, मेरे को बस ये बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। भाई मीडियम साइज़ का कहीं नहीं पड़ा, बट मैं आगे देख के आता हूँ, शायद से आगे पड़ा होगा। भाई इधर कार्स पड़ी हुई हैं, बोट भी हैं, सब कुछ है, बट प्लेन नहीं है। भाई प्लेन कहाँ मिलेगा? वेट भाई साहब ये मिला ना मुझे, ये है प्राइवेट जेट, वो भी ब्लास्ट हुआ, ये क्रैश हो गया था शायद, और मेरे को ना इसके इंजन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और भाई ये प्लेन ना मेरे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसे हम आराम से रिपेयर करा सकते हैं, इसके इंजन की कंडीशन काफ़ी सही लग रही है, इधर की भी सही है और उधर की भी सही है। गाइज मैं एक बार चेक करके आता हूँ नीचे जाके कि इसका इंजन काम करता है नहीं करता, वैसे चालू तो नहीं होगा बट फिर भी देखो भाई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना इंजन, मेरे को लग नहीं रहा कि ख़राब है इंजन। बट इसके जो विंग्स है ना वो टूट चुके हैं, और जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा टूट चुका है, वो चेंज होगा और इस प्लेन में विंग्स लगेंगे बस, उसके बाद ये चकाचक चलने लग जाएगा, इसके ग्लासेस वगैरह लगेंगे और इसकी सीट वगैरह चल गई होंगी वो भी लगेंगी, बाकी और ज़्यादा काम नहीं है इसमें, मस्त काम हो जाएगा इसमें भाई साहब। इस प्लेन से हमारी जुगाड़ बन सकती है, बस मेरे को ना इस जंक यार्ड के ओनर के पास जाना पड़ेगा, उससे बात करनी है कि ये प्लेन कितने का है, फिर उसको पेमेंट वगैरह करके हम ले जाएंगे इस प्लेन को। बट पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है गाइज, यार माइकल के पास थोड़े बहुत पैसे पड़े होंगे, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फटाफट से चलता हूँ ओनर के पास, और शायद यही ओनर, वेट गाइज ओनर तो मेरे को पास में मिल चुका है, और भाई इसके पास ये ट्रक भी खड़े हुए हैं, वाह भाई आराम से व्यवस्था बन जाएगी हमारी, इस ट्रक के ऊपर रख के लोड करके ले जाएंगे इसे बैनी के पास। भाई साहब ये बताओ कि वो जो प्लेन पड़ा हुआ है तुम्हारे उस प्राइवेट जेट टाइप का, वो कितने में दोगे तुम मुझे? अरे वो प्लेन तो 50 लाख का है पूरा। भाई क्या पागल हो गया यार, वो क्रैश प्लेन 50 लाख का है भाई, कम बोल झूठ यार, मैं उसके सिर्फ 5 लाख दूंगा। अरे 5 लाख तो बहुत कम है, तुम मेरे को 10 लाख दे दो, 10 लाख से कम नहीं आएंगे। ठीक है भाई 10 लाख में डील डन कर, माइकल फटाफट से पेमेंट कर दे 10 लाख। अरे मैं कहाँ से कर दूँ भाई, मेरे पे तो एक रुपया भी नहीं है। यार तेरा फिर रोना स्टार्ट हो गया, यार मेरे पास भी पैसे नहीं है भाई साहब, अभी हम बाद में पैसे दे जा सकते हैं क्या? अरे भाई ये जंक यार्ड है, ये कोई शॉप नहीं है जो बाद में दे जाओगे, हमें पैसे अभी चाहिए, या फिर इसके बदले कुछ दो।
इसके बदले क्या दे सकता हूँ मैं? वैसे मेरी कार है, मेरी कार ले सकते हो आप। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी कार दे दो और तुम उस प्लेन को ले जाओ, और जब पैसे तुम्हारे पास हो जाना तो पैसे दे जाना, अपनी कार ले जाना। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ भाई, माइकल ने अभी हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, मतलब इतने पैसे होने के बावजूद भी इसने पेमेंट नहीं किया। सर वैसे अगर मैं कार को सेल कर दूँ आपको तो आप इस कार के कितने दे दोगे? अरे कार तो मेरे को दिख रही है, अच्छी खासी है, बट इसके मैं दे पाऊँगा सिर्फ 10 लाख। भाई ये कार पूरे 50 लाख की है यार। अरे नहीं नहीं मैं 10 ही दे सकता हूँ बस। ठीक है, इस प्लेन के बदले रख लो आप कार को, और मेरे को इसमें से एक ट्रक दे दो ले जाने के लिए। ये वाला ले जा सकता हूँ मैं, ब्लू वाला? अरे नहीं नहीं नहीं, ये ब्लू वाला नहीं, ये खटारा वाला ले जा सकते हो तुम, इस पर चली जाएगी तुम्हारी प्लेन। ठीक है भाई, यार इस बंदे ने हमें ट्रक भी खटारा सा दिया है, बट कोई नहीं यार, हमें ट्रक तो मिल गया ना, अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो शायद ही हमको ये ट्रक देता। तो गाइस हमने इस प्लेन को ट्रक पे लोड कर लिया, और भाई इस बंदे ने काफ़ी सही ट्रक दिया है। मेरे को नहीं लगता था कि भाई उस ब्लू वाले पे हो जाता लोड, इस पे आराम से हो गया। इसके टायर इतने बड़े बड़े हैं कि मस्त ऑफ रोडिंग रास्ते से भी ये निकल सकता है। भाई साहब इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है हमारी, और हमारी कार इसके पास ही है, हम जब पैसे लेके आएंगे ना तो हमारी कार हमें मिल जाएगी। तो फटाफट से इस प्लेन को भगाते हैं, वैसे प्लेन को तो नहीं ट्रक को भगाते हैं, और चलते सीधे बैनी के पास, क्योंकि इस प्लेन को बैनी रिपेयर करेगा और बैनी बताएगा कि इसमें आखिरकार कितना ज़्यादा खर्चा आने वाला है। तो फटाफट से ट्रक को भगाते हैं, और भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ बैनी के गैरेज के पास। और बस बैनी गैरेज पे हो यार प्लीज़, अगर वो कहीं बाहर चला गया होगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। एक कार तो खड़ी है और बैनी खड़ा है वेट। भाई मज़ा आ गया, बैनी है अभी, मैं इस ट्रक को साइड में लगा देता हूँ। अगर किसी ने देख लिया ये प्लेन यहाँ पर खड़ा हुआ, पुलिस वगैरह ने, तो शायद पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी। तो भाई मैंने ट्रक को ना छुपा के पार्क कर दिया है। अभी फटाफट से बैनी से बात कर दूँ, माइकल उतर गया, बैनी से बात करनी है। और बैनी भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया बढ़िया, कैसे आना हुआ? भाई बैनी यार ये प्लेन रिपेयर कराना है हमें, बिल्कुल नए जैसा। अरे यार ये प्लेन क्यों लेके आ गए तुम? क्या बात है यार? अरे ये प्लेन में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। कितने का होगा? अरे देखो नया प्लेन लोगे तो 10 करोड़ का आता है, बट इसमें इंजन काफ़ी ज़्यादा हद तक सही है, तो इसमें तुम्हारा मोटा मोटा 1 करोड़ का खर्चा आ ही जाएगा। तो माइकल 1 करोड़ का खर्चा आएगा, अभी 1 करोड़ कहाँ से लाए हम? अरे मेरे को क्या पता भाई 1 करोड़ कहाँ से आएंगे। यार माइकल तू मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा ये बता, पहले मैं सब कुछ कर रहा हूँ बट तू कुछ नहीं कर रहा। अरे सॉरी भाई, बट मेरे को इतना ज़्यादा नहीं है किसी चीज़ का। भाई यार अब ना मेरे को कुछ करना पड़ेगा, मेरे को पैसों की जुगाड़ करनी है, मैं कहाँ से करूँ? वेट आइडिया है भाई, मैं ना लेस्टर को कॉल लगाता हूँ, लेस्टर शायद मेरी हेल्प कर सकता है। भाई एक बार लेस्टर से बात हो जाए फिर तो आराम से हमारा मस्त काम हो जाएगा। हेलो लेस्टर, कहाँ पर है तू? अरे मैं घर पर ही हूँ, बताओ। भाई लेस्टर तेरे से ना कुछ पैसे चाहिए। अरे कितने पैसे चाहिए? भाई पूरे 1 करोड़। यार 1 करोड़ तो अभी नहीं होंगे मेरे पास। यार लेस्टर ऐसी बात मत कर यार तू मेरे से। अरे सही बोल रहा हूँ, बट मैं तुम्हें पैसे कमवा सकता हूँ। कैसे कैसे बता भाई, जल्दी बता। अरे तुम्हें ना माउची लाड पर जाकर एक कार चोरी करनी है बस, और कुछ नहीं करना। भाई सही बता। अरे हाँ, और उसके मिलेंगे तुम्हें पूरे 10 करोड़, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। भाई साहब लेस्टर तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अच्छा ठीक है, तो मेरे पास मत आना, सीधे माउची लाड चले जाना ठीक है, और वहीं पर लेके जाना क्योंकि वहाँ पर गार्ड मिलेंगे तुम्हें। ठीक है भाई लेस्टर, काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी तूने हमारी, थैंक यू भाई। अरे ठीक है, बट संभल कर काम करना। हाँ भाई लेस्टर, हम संभल कर ही काम करेंगे, वो कार ज़्यादा महंगी होगी ना? अरे ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा महंगी है, इसीलिए तो तुम्हें 10 करोड़ मिलने वाले हैं उस कार के। ठीक है भाई ठीक है, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फ़ोन काट दो फटाफट से और काम करो। हाँ भाई काम करता हूँ मैं। तो भाई चलो, हमारी पैसे की जुगाड़ तो हो चुकी है। माइकल सुना ना तूने? अरे हाँ सुना मैंने। तो अब क्या दिक्कत है भाई, अब मैं जाता हूँ सीधे और इसका मिशन पूरा करता हूँ। हाँ भाई हाँ, जाओ। भाई तू तो बोलेगा ही ना जाओ, तूने तो कुछ किया भी नहीं है और हमें ही सब कुछ करना पड़ रहा है यार। अरे तुम ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मैं हूँ कमज़ोर, तो मैं लड़ाई कर नहीं सकता ना। भाई मेरे को पता है तू कितना कमज़ोर है यार, इतना झूठ मत बोला कर, बट कोई नहीं यार मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं ना भाग कर माउंट चिलियार्ड पर आ चुका हूँ, मैं अभी जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी कार है जिसकी वजह से लेस्टर मेरे को देने वाला है पूरे 10 करोड़। अगर 10 करोड़ मुझे दे रहा है तो उसे भी कुछ मिल रहा होगा, और अगर उसे कुछ मिल रहा है तो भाई वो कार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगी। तो मैंने वेपन निकाल लिए क्योंकि लेस्टर ने बताया था वहाँ पर मेरे को गार्ड मिलेंगे, और कुछ अजीब ही गार्ड होंगे। देखो सामने खड़ा हुआ एक, तो मैंने इसको शूट कर दिया, एक और आ गया, बट इन्होंने सेम कपड़े पहन रखे हैं। भाई लेस्टर ने बोला ही था कि अजीब से गार्ड होंगे, और ये क्या
अबे जोकर वाला भेस बना रखा है क्या इन लोगों ने? यार वेट, सच में अजीब से गार्ड है भाई, सब लोगों ने जोकर वाला भेस बना रखा है, सब ने, ए टू जेड गार्ड ने एक जैसा आउटफिट पहना हुआ है भाई, एक जैसा आउटफिट है, सेम टू सेम मास्क लगा रखा है यार, मतलब कोई पहचान नहीं सकता कि ये लोग गार्ड है और इनके पास वेपन भी है भाई। मेरे को ना आराम आराम से शूट करना पड़ेगा। एक बंदा आगा, वेट वेट वेट, ले ले भाई ले गया, एक और वेट, ये भी गया भाई, आते जाओ एक एक करके जाते जाओ भाई, एक और गया, अभी साइड से अटैक हो रहा है मेरे ऊपर, वेट ये रहा भाई, रिलोडो रिलोडो जल्दी फटाफट से, और एक और बंदा है, वेट ये गया, ले भाई तेरी ऐसी की तैसी, ले तू भी ले, सब लो भाई, एक एक करके सबको मिलेगा, चिंता मत करो, मैं भाई सबको दूंगा, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो एक आध को भी छोड़ दे, ले भाई तू भी गया, एक और बचा है क्या? हाँ भाई एक बंदा और है, ले भाई तू भी गया, लो सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं गाइस, वेट ये बचा था बस एक, अबे तू लास्ट रह गया था, तू अभी क्यों आया, तू नहीं आता तो बच जाता, तो गाइस मैंने सारे बंदों को मार दिया है, और ये खड़ी वो कार, भाई कार तो सिंपल है बट ये पूरी गोल्ड की जी वैगन है भाई, जी वैगन ज़्यादा महंगी नहीं आती बट प्योर गोल्ड की जी वैगन बहुत ज़्यादा महंगी आती है। अब मैं समझ गया कि लेस्ट ने इस कार को क्यों मंगाया था, तो मैं इस कार को सीधे ले चलता हूँ लेस्टर के घर पे, और लेस्टर से सीधे 10 करोड़ अपने अकाउंट में डलवा लूँगा, उसके बाद मैं उसमें से 1 करोड़ बैनी को ट्रांसफ़र कर दूंगा ताकि वो प्लेन को सही कर सके। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लेस्टर के घर पे, फटाफट से लेस्टर के घर के अंदर चलते हैं और उसे बात करते हैं, उसे बोलते हैं कि भाई फटाफट से हमारे अकाउंट में 10 करोड़ डाल और हमको फ्री कर, लेस्टर तेरा काम हो चुका है, 10 करोड़ चाहिए फटाफट से। अच्छा ठीक है कर रहा हूँ भाई, इतनी जल्दी क्या है भाई, कोई जल्दी नहीं है बट मेरे को अभी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे को जल्दी से पेमेंट कर दे भाई। अरे ठीक है कर रहा हूँ यार, इतनी भी जल्दी मत किया करो तुम, ठीक है भाई। तो गाइज लेस्टर ने हमें पेमेंट कर दिया है, और अभी माइकल का ही फ़ोन आया था, माइकल बोल रहा था प्लेन सही हो चुका है और मैं उसे सैंडी शोरस एयरपोर्ट पे ले जा चुका हूँ, तो मेरे को अभी जाना पड़ेगा सीधे सैंडी शोरस, वहाँ पर जाके माइकल ने फ्लाइट भी स्टार्ट कर दी है भाई। माइकल बोल रहा था कि मैंने 1 राउंड लगा भी दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो चुका है, तो मैं गाइज पहुँच चुका हूँ सैंडी शोरस एयरपोर्ट पर, और सामने अपना ही प्लेन है क्या? हाँ गाइज अपना ही प्लेन है, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई, देख रहे हो प्लेन के सामने कितनी बड़ी लाइन है, और ये बंदे 1-1 करोड़ देने को तैयार है भाई, जहाँ भी ये जा रहे हैं, या तो UK जा रहे हैं या फिर दुबई वुबई कहीं भी जा रहे हैं, ये सब देने को तैयार है। कैसा हाल चल रहा है माइकल? अरे बढ़िया बढ़िया भाई, कस्टमर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और मस्त 1-1 करोड़ कमा रहा है इनसे। बैनी भाई अभी इस प्लेन में कभी दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अरे कोई नहीं यार, दिक्कत आए तो मैं तो हूँ ना। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, लो अभी हमारा नया बिजनेस सेटअप हो चुका है यार, इसमें ना बहुत ज़्यादा ही पैसे पैसे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई धीरे धीरे करके हम पैसे कमा कर अपना एक छोटा सा एयरपोर्ट बना लेते हैं यार, मतलब मज़ा आ जाएगा, अपना खुद का एयरपोर्ट होगा और भाई पूरे लॉस एंजेलोस में नाम हो जाएगा कि हमारा खुद का एयरपोर्ट है, खुद का बड़ा बिजनेस है यार भाई। अभी ना मेरे को बस कोई जगह चाहिए जिधर मैं एयरपोर्ट बना सकता हूँ। माइकल यार मैं छोटे से एयरपोर्ट की सोच रहा हूँ, मैं उसके लिए जगह देख के आऊँ। हाँ भाई हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, मैं तुमसे बोलने वाला था बस। ठीक है भाई मैं जाता हूँ, मैं उसके लिए जगह देख के आता हूँ भाई। अभी मैं कौन सी कार ले जाऊँ? वेट ये ब्लू कलर की कार मेरे को काफ़ी सही लग रही है, वैसे तो ये कस्टमर की है बट कस्टमर तो जा ही रहा है भाई, कार का क्या करेगा वो, तो मैं इस कार को लेके चलता हूँ फटाफट से, और कार को यहीं पर दोबारा से पार्क कर दूंगा, और चलते हैं भाई सीधे पलिटो की तरफ, क्योंकि लॉस एंजेलोस में एयरपोर्ट है और सैंडी शोरस में भी एयरपोर्ट है, बस पलिटो में एक एयरपोर्ट नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि पलिटो पर एक एयरपोर्ट बनाएंगे और वहाँ पर जाके एक लैंड मेरे को ख़रीदना है। तो अभी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ और पहुँचता हूँ सीधे पलिटो। तो गाइस फाइनली मैं एक फार्मर के पास आ चुका हूँ और मेरे को ना ये जगह देने तैयार हो गया, बट मैंने इससे बोला था कि ये वाली साइड की जगह दे दो, बट ये बोल रहा था कि इस पे मैं फार्मिंग करता हूँ, ये वाली जगह तो मैं नहीं दे सकता, तुम चाहो तो इस फील्ड के पीछे वाली सारी जगह खरीद सकते हो। तो मैंने इसको बोल दिया है कि भाई ये सारी जगह मैं खरीद लूँगा आराम से, भाई पीछे बहुत सारी जगह है और इधर भाई ओशन भी है, जिससे कि भाई आराम से हमारे प्लेन टेक ऑफ हो जाया करेंगे भाई, जैसे कि लॉस एंजेलोस एयरपोर्ट के सामने बिल्कुल ओशियन है ना, ऐसे ही हमारे एयरपोर्ट के सामने भी ओशियन होगा भाई, मज़ा आ जाएगा, अपना बहुत तगड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। और मेरी से बात हो चुकी है, ये पूरी जगह को पूरे 5 करोड़ में देने को तैयार हो चुका है भाई, और मैंने इसे डील डन कर दी है, 5 करोड़ इसको दे दिए हैं और ये जगह हो चुकी है हमारी। गाइस भाई अभी हम बहुत तगड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इधर पूरे में हम एयरपोर्ट बना देंगे भाई, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस यार
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।